नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की कुछ बड़ी खबरें बताएं, उससे पहले बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों की। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी को जान से मारने की मिली धमकी। मंत्री ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में केस कराया दर्ज। 19 अप्रैल को 4 अलग-अलग नंबरों से आई थी धमकी भरे फोन। एनसीपी नेता अजीत पवार मुंबई में पार्टी कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने की समर्थन में जमके नारेबाजी। मणिपुर में हालात तनावपूर्ण। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। रद्द हुई सभी ट्रेनें। साथ ही गृह मंत्री आज अमित शाह का कर्नाटक दौरा भी हुआ रद्द। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती आज बेंगलुरु में करेंगी जनसभा। बता दें कि मायावती ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया है फैसला। पहलवानों के धरने का हुआ आज तेरहवां दिन। समर्थन देने देर रात पहुंचे टिकैत। 7 तारीख को हरियाणा यूपी की महापंचायत। खिलाड़ियों ने मांगा हरियाणा सीएम से समर्थन। बिहार में जातीय जनगणना पर लगी रोक। अब जातियों को इकट्ठा करने और बांटने की राजनीति करने में बिहार सबसे आगे। जालंधर उपचुनाव में सिद्धू मूसेवाला की होने जा रही है एंट्री। सिद्धू के पिता बलकौर बाड़ा पिंड से आज शुरू करेंगे जस्टिस फॉर मूसेवाला मार्च। दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे धरने को मिला किसानों का साथ। नरेश टिकैत ने 7 मई को किया दिल्ली चलो का आह्वान। हाईकोर्ट में नवजोत सिद्धू की याचिका पर हुई सुनवाई। सिद्धू ने अपनी जान को बताया खतरा। की वाई प्लस सुरक्षा को जेड प्लस करने की मांग। कांग्रेस दफ्तर में घुसे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर की तोड़फोड़। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात पर भड़के बजरंग दल के कार्यकर्ता। पंजाब में आज किसानों ने ट्रेन रोकने के फैसले को किया रद्द। वहीं देर रात दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए किसानों को छोड़ दिया गया। किसानों ने कहा पहलवानों के समर्थन में खड़े हैं किसान और इसके लिए अगली रणनीति है तैयार। बिहार में 2024 के नीतीश कुमार का मिशन की हुई शुरुआत। कर्नाटक चुनाव के बाद पटना में 17-18 मई को हो सकती है विपक्षी दलों की बैठक। और संविधान में बदलाव पर चर्चा के लिए आज हो सकती है IOA की बैठक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी। पिछले 72 घंटों में हुआ तीसरा एनकाउंटर। एक दिन पहले सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता सुवेंद्र अधिकारी के काफिले की कार की टक्कर से एक युवक की हुई मौत। कार चालक फरार। स्थानीय लोगों ने बीजेपी नेता के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। तो ये थी अभी तक की कुछ सुर्खियां। आप बात करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। तो हरियाणा की खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन विकास दिवस के रूप में मनाया और इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री से प्रेरणा लेकर फरीदाबाद में विकास गति की ओर अधिक तेज करने का भी संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपलब्धियों को बताया और कहा कि फरीदाबाद में इसी तर्ज पर विकास की गति की रफ्तार पकड़ेगी। उसने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया। उसको हरियाणा की जनता अपनी पूरी शिद्दत के साथ पूरे मनोयोग के साथ दोबारा 2019 में सत्ता सौंपी। 2014 से 2019 तक मनोहर वन में बहुत तेजी से विकास कार्य किए। प्रशासनिक रूप से ऐसी ऐसी सुविधाएं जो लोगों को सरकारी कार्यालयों में जाकर मिलती थी उनको ऑनलाइन सिस्टम से मुहैया कराया। तो मुझे लगता है से मुख्यमंत्री का जन्मदिन पूरे कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ मना रहे हैं और उनके नेतृत्व में जो विकास की बाहर पूरे हरियाणा में बह रही है हमें उम्मीद है और तेजी से बढ़ेगी। कहते हैं कि सनातन धर्म में अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद ही युगल दंपत्ति अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, नहीं तो सनातन धर्म में शादी की पूरी नहीं मानी जाती। आपको बता दें कि फरीदाबाद के पल्लवगढ़ में सनातन धर्म के एक परिवार ने ना किसी मॉल ना किसी मंदिर में अग्नि फेरे लिए बल्कि गौ माता को साक्षी मानकर अपनी दुल्हन के साथ दूल्हे ने 7 फेरे लेकर अपने जीवन की शुरुआत की। देखिए एक रिपोर्ट। आगा। 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 आगा।
क्या नाम है आपका? चमन प्रकाश गुप्ता। फेरों में आपने अग्नि का इस्तेमाल नहीं किया और गौ माता को साक्षी बनाया है, ये आइडिया कहाँ से आया और क्या सोचकर ये आपने किया? हमारा बेटा गौ सेवा करता है, उसकी इच्छा थी कि मैं गौशाला में अपनी शादी करूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश यादव है। रुपेश जी प्रधान है गौशाला के और आज आपकी गौशाला में माता को साक्षी बनाकर शादी समारोह आयोजित किया गया, क्या कहेंगे आप? गौशाला के अंदर ऐसा ही शादी समारोह दो साल पहले भी किया गया था, कोरोना के दौरान जब मंदिरों में शादी की गतिविधियाँ नहीं थी, तो उसमें भी दो पढ़े लिखे इंजीनियर थे, लड़का और लड़की अटाली गांव से, तो उनकी शादी का जो है यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, जिसका समाज से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इवन कुछ हमारे जानकार जो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में थे, उन लोगों की भी इच्छा थी कि भाई ऐसा क्या है। तो अभी जैसे एक सवाल था कि भाई अग्नि को साक्षी मानने की बजाय गाय को साक्षी मान के विवाह किया गया, तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि अगर सनातन विवाह पद्धति में कोई विवाह के लिए अगर कोई सर्वोत्तम स्थल है तो वो गौशाला है, और गौशाला में विवाह के लिए भी जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वो गोधूली का समय रहता है, क्योंकि अग्नि के फेरे के अंदर सनातन जो करता है वो अग्नि देवता का आह्वान किया जाता है, और गौ माता जो है साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं को स्वयं में जो है संरक्षित करने वाली शक्ति है, सर्वदेवमयी गौ माता है। तो ये हमारा एक उद्देश्य था कि जब सभी देवी देवता जो है इस नवविवाहित युगल को अपना आशीर्वाद देंगे तो इनका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखद और सफल हो। क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी, शादी हुई है, गौ माता को साक्षी मानकर फेरे लिए गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसी शादी हुई है? सिंपल और नॉर्मल शादी थी जो है कि उसमें कोई ज़्यादा वो धूमधाम वाली बात नहीं है। बाकी गौ माता ने सुना है 33 देवी देवताओं का वास होता है जी, तो इसलिए ये जी गुप्ता जी का सजेशन था, हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमने स्वीकार किया और बहुत अच्छा लगा। आगे भी औरों को भी मोटिवेट करेंगे कि ऐसे टेस्ट में भाग लें, इनकी जो भी बनता है अपने से वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल तरीके से शादी। हरियाणा नूह थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलदोबा गांव में करीब एक महीने पहले हुए 4 वर्षीय वरुण की हत्या का अभी तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। वहीं इसी बात से नाराज अलदोबा गांव के दर्जनों लोगों ने पुलिस कप्तान वरुण सिंगला नूह से मुलाकात की और इस मुद्दे पर बात की। वहीं मुलाकात के बाद पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें अभी तक किसी के ऊपर कोई प्रशासन में पुलिस प्रशासन में उसमें अभी मूल्य में नहीं मिला है, और 7 अप्रैल को ये घटना हुई और मात्र घर से 100 मीटर के दायरे में बच्चे की डेड बॉडी मिली है। ये बड़े शर्म की बात है कानून के लिए भी कि एक अपराधी इतने नज़दीक क्षेत्र में होते हुए उसको आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। फिलहाल शर्मा है जी। शर्मा जी, आज SP साहब से मिले हैं, क्या मामला है? हम गाँव आलदोके के और आस पास के सभी लोग SP साहब से मिले थे। 7 अप्रैल को एक बहुत जघन्य अपराध हुआ, तकरीबन 4.5 साल का बच्चा, ना मालूम अभी तो उसकी जघन्य अपराध, उसकी मौत बहुत ही निंदनीय है। 4.5 साल का बच्चा पानी के टैंक में डाल दिया गया, जो 7 अप्रैल का मामला है। 9 अप्रैल को हरी छानबीन हुई, उस विषय में हम आज SP साहब से मिले थे, SP नू, और सभी ने मिलकर उनसे प्रार्थना की। अपराध से अवगत तो थे ही थे, लेकिन उन्होंने हमें सवे शासन और प्रशासन की तरफ से बहुत ही भरपूर सहयोग की कामनाएं हमारे सामने रखी और जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करके पुलिस उसे उजागर करेगी, ये हमें आश्वासन दिया है। ये बड़ा जघन्य अपराध हुआ, एक छोटा बच्चा इस प्रकार से उसके अंदर में हत्या हुई और लगभग इसको एक महीना हो गया है। SP साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जो है मुलजिम हमारे गिरफ्त में होगा, तो सारे गांव की बस्ती भी और रिश्तेदार भी हम लोगों के साथ आए हुए हैं। सब पूरी बस्ती और सारे लोग यही चाहते हैं कि भाई बिल्कुल न्याय मिले, और न्याय होना भी चाहिए और इसका अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। तो SP साहब ने पूरा इसका आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हमारे गिरफ्त में अपराधी होगा। फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव न होने की वजह से वार्डों में
समस्याओं का अंबार लग चुका है। बता दें कि कई ऐसे वार्ड हैं जहां हर जगह कूड़े के ढेर के साथ सड़कों और गलियों को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से वार्ड में रहने वाले लोगों को इन सभी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और इस समस्या का कोई समाधान तक नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रमाकांत शाह। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? समस्या तो यहाँ बारिश होने पर पानी लग जाता है, बराबर बहुत जाने आने में कठिनाई भी होती है लोगों को, और यहाँ सबसे पहले तो नाली की सफाई नहीं हो रही। कब से ऐसी हालत है? ये करीब करीब 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ, ऐसे ज़्यादा है समय से कुल मिलाकर। कितने बार शिकायत की है प्रशासन से? प्रशासन शिकायत तो मैंने नहीं किया, लेकिन अलावा यहाँ जो रहने वाले हैं वो सब किए। क्या नाम है आपका? अब्दुल हकीम। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड? यहाँ सफाई ना हो रही है, समस्या का सड़क बिल्कुल रोड खराब है, 4 बूंद पड़कर निकलना भारी हो जाता है। कब से ऐसे हालात हैं? कई साल हो गई है। क्या नाम है आपका? रमजान। क्या क्या समस्याएं होती है आपके वार्ड में, क्या क्या दिक्कतें होती है जो आपको झेलनी पड़ती है? मैडम हमारे वार्ड में एक तो बरसात का जो पानी है निकासी नहीं है उसकी, दूसरे गांव के रास्ते सारे ओवरफ्लो हो जाते हैं बरसात में, कोई गांव में निकासी नहीं है मैडम। कितने बार शिकायत की प्रशासन से? प्रशासन से बार बार शिकायत होती है, इस बारे में कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे जो इसे काम बाहर हो रहा है टाउन एरिया में ऐसे बढ़कर नहीं कराए। बीते कुछ दिनों पहले हरियाणा सरकार शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक नियम लागू किया गया था। दरअसल बता दें कि जो बच्चा 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएगा उसको 3000 प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। इसी को लेकर बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया। क्या है पूरी रिपोर्ट देखिए। आज बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव की सक्रिय सदस्यों की एक मीटिंग तुरंत हमने नवज्योति पब्लिक स्कूल बल्लभगढ़ में आयोजित की है, और उसका मुख्य मकसद ये था कि 25 तारीख को भी हमने कला मंदिर में मीटिंग आयोजित की थी और उसमें एक निर्णय लिया था। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं क्लास और 12वीं क्लास पर एक गलत सा फैसला थोप दिया था कि जिसमें बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएगा तो उसे 3000 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, जिसका एसोसिएशन ने बहुत ज़ोरदार शब्दों में खंडन किया था, विरोध किया था। और कल हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने मीटिंग ली है, सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग ली है, और उसमें इस मुद्दे को, इस लेटर को, इस निर्णय को उन्होंने वापस ले लिया है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आदरणीय शिक्षा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, जो कंवरपाल गुर्जर जी हैं उदार दिल हैं, उन्होंने उदारता दिखाई है और उससे पूरे हरियाणा के पेरेंट्स का, बच्चों का भला हुआ है और हमारी बात रखी गई है। हम उनका आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करते हैं एसोसिएशन तरफ से। साथ ही चेयरमैन साहब हैं बीपी यादव जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं कि ये सरकार ऐसी है कि पहले कोई गलत फैसला कर देती है और जब एसोसिएशन बात को उठाती है तो उसको इनको वापस लेना पड़ता है। तो आपके चैनल और मीडिया के माध्यम से हमने ये सबसे पहले बात बल्लभगढ़ की एसोसिएशन की तरफ से उठाई, फिर हमारे साथ हरियाणा की अनेकों, हर जिले की एसोसिएशन चेयरमैन साहब से मिली, शिक्षा मंत्री जी से मिली, और साथ ही खास बात ये रही कि बहुत पीड़ादायक ये फैसला हरियाणा बोर्ड का रहा, जिसमें हरियाणा की जो सरकारी एसोसिएशन है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी भी अपनी एसोसिएशन है, उन लोगों ने भी शिक्षा मंत्री और चेयरमैन साहब को अपना ज्ञापन दिया। इन सबको सुनने के बाद, सबको मानने के बाद ये फैसला सरकार ने वापस ले लिया, जिसमें हरियाणा के एक एक स्कूल की जीत है। हरियाणा के एक एक एसोसिएशन जिन्होंने इस बात को उठाया वो सब बधाई के पात्र हैं, उन्होंने सबने मिलकर के ये लड़ाई लड़ी। फरीदाबाद एनआईटी 5 निरीक्षण गृह में रोटरी फरीदाबाद क्लब व मानव रचना डेंटल हॉस्पिटल के द्वारा निशुल्क डेंटल चेकअप का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं देश रोजाना की एक खास खबर। मेरा नाम सुप्रिंट चंद्रपाल, निरीक्षण गृह। आज फरीदाबाद N95 निरीक्षण रूप में रोटरी फरीदाबाद ईस्ट के वह मानव रचना की टीम द्वारा 73 बच्चों की दांतों की जांच की गई। कुछ बच्चों के दांतों में ज्यादा समस्या है, उन्हें सिविल अस्पताल में दिखाया जाएगा।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अदीबा सलीम है, मैं मानव रचना डेंटल हॉस्पिटल की तरफ से हूँ। सर, हम आज आए हैं कि ऑब्जर्वेशन होम NIT 5 में आए हैं फरीदाबाद में। मैंने यहाँ पर देखा, हमने आज टोटल 73 बच्चे यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिनमें हमने सबका इलाज मुफ्त करने का है और चेकअप भी पूरा कर दिया है। सब बच्चों की जाँच करने के बाद मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों के दांत दंदे और कीड़े लगे हुए ज़्यादा थे, जिसमें से हमने करीबन 30 बच्चों का आज मसाला भरने का काम पूरा कर दिया है, जिसमें से कई बच्चों की सफाई और बाकी काम भी हो चुके हैं। मेन जो मैंने देखा यहाँ पर तकलीफ, जिन बच्चों को दांत में ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ है या तकलीफ़ ज़्यादा है, जिनको दर्द की शिकायत थी, उनको हम मानव रचना या कोई भी दंत चिकित्सालय में रेफ़र करने की सलाह देंगे। और बाकी बच्चों के 3 बच्चों का उखाई का इलाज, 5 की सफाई और 30 की मसाला भरने की प्रक्रिया पूरी करी जा चुकी है अब तक। आज ऑब्जर्वेशन होम NIT 5 में मानव रचना टीम के द्वारा डेंटल चेकअप कैंप किया गया, जिसमें लगभग 73 बच्चों का दांतों की जांच हुई। और उसमें जिन बच्चों को कुछ बच्चों को ज़्यादा समस्याएं थी, उन्हें सिविल अस्पताल दिखाया जाएगा। बाकी यहां स्क्रीनिंग हुई और स्क्रीनिंग में जो समस्याएं थी, तो मानव रचना डेंटल टीम के द्वारा उन बच्चों की जो समस्याएँ थी उनको समाधान किया गया। और निरीक्षण गृह में इन सभी बच्चों को समय समय पर लॉटरी क्लब फरीदाबाद ईस्ट के द्वारा सुपरिटेंडेंट साहब के सहयोग से इन बच्चों के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये थी दिन भर की सुर्खियों के साथ कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।